खबर धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र से है, जहां नगरिया गांव से लौटते समय बाइक सवार तीन लोगों को ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक और दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और जहां उनका इलाज अभी जारी है। हादसे में घायल सभी लोग शोक सभा में शामिल होकर वापस लौट रहे थे और तभी यह हादसा घटित हुआ। श्री गंगानगर के अनुपगढ़ में एक निजी बस ने ऑटो को टक्कर मार दी और ऑटो में सवार आधा दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती करवाया गया और जहां एक महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे बीकानेर के लिए रेफर किया गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो निकला और वहीं जानकारी के मुताबिक घटना अनुपगढ़ के नजदीक गाँव बेहतर जीबी की है और ऑटो में सवार सभी घायल ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते थे। सूचना मिलने पर विधायक पति प्रभुराम बावरी सहित अनेक नागरिक सीएचसी पहुंचे और साथ ही घटना की पूरी जानकारी ली। पुलिस भी मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच कर रही है।